दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है और सभी प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हेमा मालिनी भी जो कि यूपी से सांसद हैं, उनका कहना है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं वहाँ पे और वो जीत का दावा भी कर रही हैं वहाँ पे। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि उनकी बदौलत उन्हें एक बार फिर से अच्छे वोट से जीत हासिल होगी। हेमा मालिनी ने आगे कहा है कि मैंने क्षेत्र में बहुत से अच्छे काम किए हैं, मेरी सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे भरोसा है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि आज पूरी व्यवस्था बदल रही है, लोग विश्वास चाहते हैं, जातिगत राजनीति अब नहीं चलने वाली है। आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई हेमा मालिनी पिछले दिनों तेज धूप में खेतों में फसल काटती दिखी थी। उनका ये अंदाज देख फिल्म शोले की बसंती याद आ गई थी। जी हाँ, हम आपको बता दें दोस्तों कि हेमा मालिनी ने खुद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के लिए पहले दिन मथुरा के गोवर्धन इलाके में गई थी और वहां खेत में जाकर पहले गेहूं काटा और इसके बाद बालियों को अपने हाथ से उठाकर दूसरी जगह रखा। हेमा के खेतों में काम करने के बाद लोग देखते ही रह गए। हेमा को खेतों में जिसने भी फसल काटते देखा उसे लगा मानो फिल्म शोले की वो बसंती सामने आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को हेमा मालिनी मथुरा के देवसेरस गांव में पहुंची थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने साथ मीडिया की टीम भी थी। रास्ते में उन्हें खेतों में फसल काटती महिलाएं दिखी। हेमा ने वहीं अपना काफिला रुकवाया और सीधे खेतों में पहुंच गई। वहां मौजूद महिलाओं से हेमा ने ना सिर्फ वोट मांगा बल्कि उनके रंग में रंग गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार में अलग अलग रंग दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो ट्रैक्टर चलाती भी दिखी। मथुरा में वोटिंग 18 अप्रैल को है, ये दूसरे चरण की वोटिंग है। मथुरा लोकसभा सीट यूपी के चर्चित सीटों में से एक मानी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ये हेमा मालिनी बॉलीवुड से जुड़ी हुई थी, इसलिए बॉलीवुड की खबर में हमने आपको इनके बारे में बताया। वहीं और भी बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको हर खबर मिले सबसे पहले।